एक बार फिर मेरे प्रिय भाई और बहनों, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। अशोका यूनिवर्सिटी के सेंटर फॉर सोशल एंड बिहेवियरल चेंज की तरफ से आयोजित इस कार्यक्रम में आने के लिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। शुरू करने से पहले हम आपको ये बताना चाहेंगे कि आज कार्यक्रम का दूसरा दिन है। आज का सत्र पूरा करने के बाद आपको एक बार और आना होगा। अगले कुछ मिनटों में हम लोग सीखेंगे कि फोन पे ऐप का इस्तेमाल करके चंद पलों में आप कैसे पैसे भेज सकते हैं। यदि आप इसे अच्छी तरह सीख लेते हैं तो यूपी में क्या हिंदुस्तान भर में कहीं भी आपको खुले पैसे रखने की कोई जरूरत नहीं होगी। तो देर किस बात की, चलिए सीखते हैं फोन पे ऐप पे बार कोड के चिन्ह का इस्तेमाल करके पैसे भेजना। इसके लिए हमें सबसे पहले फोन पे ऐप को खोलना होगा। फोन पे ऐप के चिन्ह को ध्यान से देखिए और इसे अपने फोन में ढूंढिए। चिन्ह मिल जाने पर उस पर क्लिक करें। ऐसा करने से ऐप खुल जाएगा। और हाँ, ऐप खोलने से पहले ये सुनिश्चित कर लें कि आपका मोबाइल डाटा और लोकेशन दोनों चालू रहें। कृपया इस वीडियो को यहीं रोकें और दूसरे मोबाइल पर फोन पे ऐप को खोलें। ऐप खोलने पर आप फोन पे की मुख्य स्क्रीन देख पाएंगे। स्क्रीन की ऊपरी दाहिनी तरफ आप तीन चिन्ह देख पा रहे होंगे। इनमें सबसे पहला चिन्ह बार कोड को स्कैन करता है। कृपया इस पे क्लिक करें। बारकोड स्कैनिंग किसी विशेष बैंक खाते की पहचान करने का सबसे आसान तरीका है। बारकोड स्कैनिंग के दौरान हमें फोन नंबर या खाता नंबर लिखने की कोई आवश्यकता नहीं होती है। जैसे अकाउंट नंबर लिखते समय या खाता नंबर लिखते समय हम एक अंक की गलती कर सकते हैं, परंतु बारकोड स्कैनिंग के दौरान ऐसी गलती करने की कोई गुंजाइश नहीं होती है। आगे बढ़ने के लिए ऐप आपसे आपके फोन के कैमरे को इस्तेमाल करने की अनुमति मांगेगा। आगे बढ़ने के लिए ऐप का उपयोग करते समय अनुमति दे पर क्लिक करें। कृपया इस बात का ध्यान दें, अगर आपका मोबाइल डाटा उपलब्ध नहीं होगा तो स्कैनिंग नहीं हो पाएगी। कृपया इस वीडियो को यहीं रोकें और दूसरे मोबाइल पर बारकोड स्कैनिंग करने वाले चिन्ह पर क्लिक करें। ऐसा करते ही एकदम से आपके फोन का कैमरा चालू हो जाएगा और आप कोई भी बारकोड को स्कैन कर सकेंगे। अब अपने फोन के कैमरे को जिस बारकोड पर पैसा भेजना है उस पर केंद्रित कीजिए। अपने फोन के कैमरे को कुछ इस तरह से रखें कि बारकोड आपकी स्क्रीन के बीच के बने बक्से के अंदर आ जाए, मानो उसकी फोटो या तस्वीर ली जा रही हो। अगर आपके पास रोशनी कम हो तो अपनी फोन की टॉर्च लाइट को बक्से के नीचे बने बिजली की तरह दिखने वाले बटन पर क्लिक करके चालू कर लें और फिर बारकोड को स्कैन करें। सही तरीके से बक्से में फिट करने पर फोन पे ऐप बारकोड को स्कैन कर लेगा और आप खुद ब खुद अगली स्क्रीन पर आ जाएंगे। कृपया इस वीडियो को यहीं रोकें और दूसरे मोबाइल पर बारकोड को स्कैन करें। अब जिसको पैसे भेजे जा रहे हैं उनका नाम और यूपीआई आईडी आपको स्क्रीन पर दिख रही होगी। नाम और यूपीआई आईडी की पुष्टि करें और अगर दोनों सही हो तो अपनी जरूरत की राशि को दर्ज करें और प्रोसीड टू पे पर क्लिक करें। यदि आप अपने खाते में जितने पैसे हो उससे अधिक पैसे भेजने के प्रयास करते हैं तो फोन पे आपको एक चेतावनी देगा। अपनी रकम डालने के बाद ऐप आपसे आपके कौन से खाते से पैसा निकाल कर भेजना है इसकी जानकारी मांगेगा। अगर आपने केवल एक खाता जोड़ा होगा तो आप उसको देख पा रहे होंगे। यदि आपने कई सारे खाते जोड़ रखे होंगे तो आप उसकी सूची देख पा रहे होंगे। आपको जिस खाते से पैसा निकाल कर भेजना है उस पर क्लिक करें। आपके द्वारा चुने गए हुए खाते के सामने हरे रंग का टिक होगा, जैसा हमारे स्कूल में हमारी टीचर दिया करती थी वैसा। अगर आपको सारी जानकारी सही लगे तो भुगतान करें पे क्लिक करें। और देखिए, घबराइएगा बिल्कुल नहीं, क्योंकि यह ऐप सिर्फ आपके खाते से पैसे निकालकर सामने वाले के खाते में पैसा डाल देता है और सिर्फ उतना ही जितना आप कहेंगे। तो भूल चुकी तो कोई गुंजाइश ही नहीं है। कृपया इस वीडियो को यहीं रोकें और दूसरे मोबाइल पर जरूरत की राशि दर्ज करने के बाद भुगतान करें पर क्लिक करें। आखिर में आपसे आपका यूपीआई पिन डालने को कहा जाएगा।
याद कीजिए, पिछले सत्र में हमने वो 4 या 6 अंकों वाला जो पिन बनाया था, अब वही डालना बाकी है। आपको यह पिन हर बार पैसे भेजने से पहले डालना होगा, तो इसे भूलिएगा नहीं। जैसे ओटीपी किसी को नहीं बता सकते, ठीक उसी तरीके से इस पिन को भी गोपनीय रखना है। और हाँ, इसे कहीं लिख कर भी मत रखिएगा। अच्छी खबर तो यह है कि गलत पिन डालने पर ना तो हमारे खाते से पैसा कटता है और ना ही दूसरे के खाते में पैसा जाता है। सही यूपीआई पिन डालने के बाद स्क्रीन के नीचे बने टिक के निशान पर क्लिक करें और फिर क्या हो गए, पैसे ट्रांसफर और सीख गए आप मोबाइल डाटा के जरिए पैसे भेजना। लेन देन पूरा करने के बाद कृपया सुनिश्चित करें कि आप लाभार्थी को भेजी गई राशि दिखाते हैं। यदि यह राशि मांगी गई राशि से कम है तो कृपया बाकी के पैसे फिर से भेजें। यदि मांगी गई राशि से अधिक राशि भेजी जाती है तो कृपया लाभार्थी से शेष राशि वापस करने का अनुरोध करें। आप लाभार्थी के बैंक प्रबंधक से भी संपर्क कर सकते हैं, जो आपकी तरफ से लाभार्थी से पैसे वापस करने का अनुरोध कर सकते हैं। कृपया इस वीडियो को यहीं रोकें और दूसरे मोबाइल पर सही यूपीआई पिन डालने के बाद सही के निशान पर क्लिक करें। तो देखा आपने वाकई में कितने तेजी से और आसानी से आप पैसे भेज सकते हैं फोन पे ऐप से। अच्छा, ये तो हो गया कार्यक्रम समाप्त। अब आपका कोई भी सवाल हो या कोई भी मुश्किलात हो पैसे भेजने में, तो आप बेझिझक इस वीडियो को दोबारा देखें और जरूरत पड़ने पे हमारे सहयोगी से भी पूछें। इस कार्यक्रम में आने के लिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। हमें उम्मीद है कि यह वीडियो आपके लिए मददगार साबित हुई होगी। शुक्रिया, शुभ रात्रि।